Hello friends, welcome to our channel Current Affair Updated. This is Devashish Awasthi. As we are continuing with our Modern History Lecture Series, this is lecture number 32. ठीक है, तो आपको याद होगा अभी last lecture से मैंने social religious reform movement complete कर दी है. अब उसी को आगे continue करते हुए एक part और मेरा रह गया था, उसको मैं complete कर दूँ. That is Governor General and Viceroys. ठीक है, already till 1856 तक के जितने भी Governor General हैं already discuss हो चुके हैं. तो आप हमारे playlist में जाएं, वहाँ पर Modern History लिखी हुई है भाई अभिषेक बघेल, उन लेक्चर्स को आप देखें तो वहां पर टिल, याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी दैट इज 1856 तक के गवर्नर जनरल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, बट उसके आगे के कंप्लीट नहीं हुए थे तो उसको अपन कंप्लीट करेंगे टिल 1947. तो उसी का डिस्कशन स्टार्ट होना है. तो आज जो हम डील करेंगे दैट इज फ्रॉम 1856 से लेके 1880 तक के मैं डिस्कस कर दूंगा आपके सामने. कुछ पॉइंट आपको याद रखना है, इसमें बहुत सारे गवर्नर जनरल मैं नाम लिखूंगा. अब उनको हम वॉइस वॉइस कहते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों. याद रखिए ये तीन कोर हैं इस आज के लेक्चर में, तीन कोर जो अपन को डिस्कस करने हैं वो है लॉर्ड कैनिंग पहले, सेकेंड है याद रखिएगा दैट इज गोइंग टू बी लॉर्ड मेयो, और जो थर्ड है इंपॉर्टेंट वो है लॉर्ड लिट्टन. ये तीन जो हैं इनको अपन को बहुत इंपॉर्टेंटली डिस्कस करना है क्योंकि ये कोर पार्ट है आज के लेक्चर का. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेस लेक्चर. सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, इनका टाइम पीरियड था 1856 से लेके 1862. ठीक है, अब मैं बताऊं इस टाइम पर सबसे इंपॉर्टेंट आपने सुना होगा एक रिवोल्ट हुआ था जिसको अपन कहते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857. तो डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा, रिवोल्ट ऑफ 1857 के टाइम पर इंडिया का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, तो आंसर वुड बी लॉर्ड कैनिंग. ठीक है, अब इस रिवोल्ट के बाद मैं आपको बताऊं, जब रिवोल्ट खत्म हुआ तब उसके बाद एक एक्ट आया था दैट इज नोन एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर दिया गया था और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उसका नाम रीनेम कर दिया गया था एज वॉइसराय ऑफ इंडिया. तो इसका मतलब वॉइसराय अब अगले कौन होंगे, यही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, अब इनका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, वॉइसराय. तो देश के पहले वॉइसराय भी कौन रहेंगे, लॉर्ड कैनिंग. तो पूछा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 किसके टाइम में था, तो दैट वुड बी लॉर्ड कैनिंग, इसीलिए अब यहां से हम उनको वॉइसराय कहेंगे. ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, इन्हीं के टाइम पर बहादुर शाह झकेन, ये लास्ट मुगल रूलर है याद रखिएगा, इनको रंगून के जेलों में भेज दिया गया था, सेंट टू रंगून. जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था तब इनको रंगून की जेल में भेज दिया गया था, तो याद रखिएगा. ठीक है, नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है इनके टाइम पीरियड में, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, याद रखिए डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर आया था, मतलब इनसे जस्ट पहले जो भारत के गवर्नर जनरल थे उनके टाइम पे था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, उसको एबॉलिश कर दिया गया लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर. तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वॉज विड्रॉन इन 1858, ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एक फेमस रिवोल्ट हुआ था बंगाल में दैट इज इंडिगो रिवोल्ट, याद रखिएगा 1859 से 1860 में ये रिवोल्ट हुआ था, इट वॉज हैपन ऑल्सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड कैनिंग. नेक्स्ट देखा जाए तो आईपीसी दैट इज इंडियन पीनल कोड, याद रखिए 1861 में आया इन द टाइम ऑफ लॉर्ड कैनिंग. और एक बहुत इंपॉर्टेंट अगेन एक एक्ट आया, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861. ठीक है, तो ये एक्ट भी लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर आया है. ये एक्ट्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं अपने पॉलिटी लेक्चर्स में, तो आप चाहें तो पॉलिटी लेक्चर सीरीज देख सकते हैं, उसमें इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है. ठीक है, नेक्स्ट दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इनके टाइम पर तीन फेमस यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश की गई थी दैट इज बॉम्बे यूनिवर्सिटी, कैलकटा यूनिवर्सिटी एंड मद्रास यूनिवर्सिटी, वॉज एस्टैब्लिश इन 1857. तो आपको याद रखना है इनके टाइम पर यह एक्टिविटी हुई. और एक और इन्होंने बहुत कैनिंग के टाइम पर बहुत एक्टिविटी हुई थी, इनकम टैक्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था याद रखिएगा, और ये एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस में इन्होंने इनकम टैक्स स्टार्ट किया है याद रखिएगा बाय लॉर्ड कैनिंग. तो ये मेजर एक्टिविटीज हैं आपको याद रखना है दैट वाज हेल्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड कैनिंग. ठीक है, और पहले वॉइसराय भी कौन है इंडिया के, लॉर्ड कैनिंग. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो मैंने वॉइसराय लिखा है दैट इज लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट, टाइम पीरियड है 1862 से 1863, एक साल के लिए है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल क्रोनोलॉजी में आया इसलिए मैंने आपको बता दिया है. इनके टाइम पर एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है वहाबी मूवमेंट जो थी, ठीक है, जो मैंने आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में बताया था सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट पे, वो इस टाइम पर याद रखिएगा इंडिया में खत्म हो गई थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट. ठीक है, नेक्स्ट वॉइस जो है सर
रॉबर्ट नेपियर हैं। आप टाइम पीरियड देख सकते हैं, एक साल का भी नहीं है, नवंबर 1863 से दिसंबर 1863, नॉट इंपॉर्टेंट, जस्ट आप गो थ्रू करिए। नेक्स्ट है सर विलियम डेनिसन, ठीक है, अगेन टाइम पीरियड आप देखिए, एक साल भी नहीं है, दैट इज दिसंबर 1863 से लेके जनवरी 1864। तो ये सिर्फ क्रोनोलॉजी में आ रहे हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये बाकी वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है ये वॉइस रॉय। नेक्स्ट वॉइस रॉय जो है सर जॉन लॉरेंस, ठीक है, इनका टाइम पीरियड मैं डिस्कस करूं तो दैट इज दिसंबर 1863 से लेके जनवरी 1869, तो टाइम पीरियड थोड़ा बड़ा है इनका। इनके टाइम पीरियड की बात करें तो एक बहुत फेमस भूटान वॉर हुआ था, दैट इज बिटवीन भूटान आर्मी एंड ब्रिटिश आर्मी, ठीक है, इनके बीच में एक वॉर हुआ था और ये वॉर खत्म हुआ था बाय साइनिंग द ट्रीटी ऑफ सिंचुला, याद रखिएगा, ट्रीटी ऑफ सिंचुला साइन हुई थी 1865 में। तो पूछा था भूटान वॉर के टाइम पर कौन वॉइस रॉय थे, तो आंसर वुड बी सर जॉन लॉरेंस। आगे बढ़ते हैं, टेलीग्राफिक लाइन स्टैब्लिश की गई थी बिटवीन इंडिया एंड यूरोप, तो ये पूछा सकता है इनके टाइम पर स्टैब्लिश की गई थी, ठीक है। और फेमाइन एक आया था, बहुत फेमस फेमाइन आया था इन उड़ीसा राजपूताना एंड बुंदेलखंड रीजन, इसीलिए इन्होंने याद रखिएगा फेमाइन कमीशन भी स्टैब्लिश की थी इसीलिए, ठीक है। तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है सर जॉन लॉरेंस, बट स्टिल भूटान वॉर और टेलीग्राफिक लाइन आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट, अभी एक मैंने बताया ना आपको कैनिंग इंपॉर्टेंट है, सेकेंड है लॉर्ड मेयो इंपॉर्टेंट है, क्यों, टाइम पीरियड 1869 से 1872 है, इन्होंने एक बहुत फेमस कॉलेज एस्टैब्लिश किया, दैट इज मेयो कॉलेज, आज भी आप जा सकते हैं, ये कॉलेज याद रखिएगा अजमेर में है, ठीक है, एजुकेशन के बहुत इंपॉर्टेंट वर्क किया इन्होंने मेयो कॉलेज, ठीक है। नेक्स्ट जो है भारत का पहला सेंसिस, ये क्वेश्चन तो हर एग्जाम्स में एक तरीके से पूछा आता है, फर्स्ट सेंसिस इंडिया का याद रखिएगा 1872 में हुआ और ये सेंसिस हुआ था लॉर्ड मेयो के टाइम पर, ठीक है। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लॉर्ड मेयो पे है कि ऐसा वॉइस रॉय बताओ जिसका असैसिनेशन हुआ है, ठीक है, तो इसका असैसिनेशन हुआ था इनका याद रखिएगा पोर्ट ब्लेयर में, ठीक है, बाय अफरीदी पठान एंड शेर अली अफरीदी, तो याद रखिएगा इनका असैसिनेशन हुआ, तो पूछा था है कौन से ऐसे वॉइस रॉय हैं जिनका असैसिनेशन हुआ है, तो आंसर वुड बी व्हाट, लॉर्ड मेयो। पहला सेंसिस भी इंपॉर्टेंट है, मेयो कॉलेज भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वॉइस रॉय सर जॉन स्ट्रेचर, अगेन नॉट इंपॉर्टेंट, टाइम पीरियड देख लीजिए 1872 से फेब 1872, मतलब ये एक महीना भी नहीं रहे, फेब में ही आए तो फेब में ही चले गए, ठीक है। नेक्स्ट लॉर्ड नेपियर, अगेन नॉट इंपॉर्टेंट, फेब 1872 से मे 1872 तक लॉर्ड, याद रखिएगा नेपियर थे, ठीक है, नॉट इंपॉर्टेंट। लॉर्ड नॉर्थब्रुक, याद रखिए नॉर्थब्रुक की बात करूं तो 1872 से 76, चलो थोड़ा टाइम पीरियड के लिए है ये, ठीक है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है कलकत्ता में एस्टैब्लिश किया गया था 1875 में, तो पूछा था किसके टाइम पे एस्टैब्लिश किया गया था, डायरेक्ट क्वेश्चन ये हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो इनकम टैक्स लॉर्ड कैनिंग ने एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस में स्टार्ट किया था, उसको एबॉलिश कर दिया था, याद रखिएगा किसने, नॉर्थ ब्रुक ने, तो ये भी हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। और बिहार फेमाइन, फेमाइन आया है, देखिए फेमाइन के क्वेश्चन इसलिए नहीं आ सकते, बहुत सारे वॉइस रॉयस के टाइम पे फेमाइन आया है, तो इनके टाइम पे भी एक बिहार फेमाइन आया था 1873 से 74 के बीच में, ठीक है। तो दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, एक फेमस रिवोल्ट है दैट इज कुका रिवोल्ट, याद रखिएगा ये रिवोल्ट हुआ था पंजाब में 1872 में, एट दैट टाइम इंडिया के वॉइस रॉय थे लॉर्ड नॉर्थब्रुक, तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगेन जो थर्ड मैंने बताया जो सबसे इंपॉर्टेंट है आज के वॉइस रॉयस में, दैट इज लॉर्ड लिटन, टाइम पीरियड याद रखिएगा 1876 से 1880। अब इनके टाइम पर क्या एक्टिविटीज हुई हैं, याद रखिए एक तरीके से आप याद रखिएगा ये इंडिया के बेनिफिट के लिए काम नहीं करेंगे जो भी ये काम करेंगे, तो देख लेते हैं क्या एक्टिविटीज इन्होंने की है। सबसे पहला वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, 100% क्वेश्चन आएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 किसके टाइम पर आया था, आंसर वुड बी लॉर्ड लिटन। इस एक्ट से इन्होंने क्या किया था कि एक तरीके से जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, पेपर छापने की जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, उसको इन्होंने रोकने की कोशिश की थी, ठीक है, जिससे कि जो एक्टिविटीज हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट पेपर में छप रही चीजें उनको रोका जा सके। तो याद रखिएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, वर्नाकुलर मतलब होता है लोकल लैंग्वेज, ठीक है, तो लोकल लैंग्वेज में प्रेस एक्ट को बैन किया गया था, एक तरीके से कह सकते हैं कि वो अपनी चीजों को पब्लिश नहीं कर सकते विच आर अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, तो ये एक्ट उनका था, ठीक है। सेकेंड देखा जाए तो इनके टाइम पर एक बहुत फेमस पॉइंट हुआ
हुआ था, फेमाइन आया था इनके टाइम पर भी, तो उन्होंने एक कमीशन अपॉइंट की थी, दैट इज सर रिचर्ड स्टैचले कमीशन, याद रखिएगा। ये कमीशन अपॉइंट की गई थी कि जो फेमाइन आया है उसको देखने के लिए, तो इस कमीशन ने इवन रिकमेंड भी किया था कि हमें कुछ हेल्प करना चाहिए फेमाइन के टाइम पर, बट ध्यान रखिए इनकी रिकमेंडेशन लिटन ने नहीं मानी और लिटन ने कोई हेल्प नहीं की। तो लेकिन ये कमीशन उनके टाइम पर एस्टैब्लिश की गई थी। इंडियन आर्म्स एक्ट 1878, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इन्होंने इस आर्म्स एक्ट में ये बोला, जो भी व्यक्ति नॉन यूरोपियन है, मतलब इंडियन नहीं, सॉरी इंडियन है, नॉन यूरोपियन मतलब इंडियन है, उसको अगर आर्म्स रखने हैं तो उसके लिए उसको लाइसेंस की जरूरत होगी, जबकि यूरोपियन आर्म्स रख सकते हैं विदाउट लाइसेंस, तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन है। तो ऐसा उन्होंने इंडियन आर्म्स एक्ट एस्टैब्लिश किया था 1878 में। आप देख रहे हैं ना, हर पॉइंट लिटन के एक तरीके से नेगेटिव हो रहे हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से। फिर सोचिए इस टाइम पर फेमाइन आया हुआ है और ये एक, और इन्होंने फेमाइन में पैसे देने से मना कर दिया क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है, ऐसा इन्होंने बोला। और जबकि इसी टाइम पर वो क्या कर रहे हैं, दिल्ली दरबार कर रहे हैं, इतना पैसा उड़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं दिल्ली दरबार 1877 में हुआ, यहां पर उन्होंने क्वीन को बुलाया और उनको एक टाइटल प्रोक्लेम करवाया क्वीन विक्टोरिया को कि एम्प्रेस ऑफ इंडिया, आप इंडिया की एम्प्रेस हैं, उसके लिए उनको एक टाइटल मिला, दैट इज केसर ए हिंद, याद रखिएगा। तो रखिए केसर ए हिंद जो है ये टाइटल दिलवाया गया और एक बहुत पॉपअप शो कह सकते हैं उन्होंने दिल्ली दरबार में एस्टैब्लिश किया। तो इसलिए कहते हैं देखो, एक साइड आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो, इधर फेमाइन आया है वहां आप पैसा नहीं दे रहे हो, तो दैट्स व्हाई लिटन वाज वेरी क्रिटिसाइज। ठीक है, इनके टाइम पर एक बहुत फेमस वॉर भी हुआ है, सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर, याद रखिएगा। ये वॉर 1878 से 1880 तक चलता है, ठीक है। अफकोर्स ब्रिटिश इस वॉर को जीतती है और बहुत आगे तक पहुंच जाती है इस वॉर में, ठीक है, मतलब पूरा अफगानिस्तान ही आप कह सकते हैं कैप्चर करने के मूड में आ गई थी। लेकिन बीच में ही एक ट्रीटी ऑफ गंडमक होती, याद रखिए ट्रीटी ऑफ गंडमक जो है, ठीक है, ये साइन की जाती है बिटवीन याकूब खान एंड ब्रिटिशर्स, ठीक है, कि रेस्ट पार्ट जो बचा हुआ अफगानिस्तान का उसको ब्रिटिशर्स कैप्चर ना करें, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट एक, ठीक है, ये एंग्लो अफगान वार की, वो अफगान के वॉर की बात करूं तो ये एक पॉजिटिव स्टेप कह सकते हैं जो उन्होंने किया था, ठीक है। बट अगेन सिविल सर्विसेज की बात करें तो इन्होंने सिविल सर्विसेज की एज भी रिड्यूस कर दी, बट 21 ईयर से कितनी कर दी, 18 ईयर्स, अगेन ही वॉज क्रिटिसाइज। फिर फर्स्ट सेंसिस तो आया, सेकेंड सेंसिस इनके टाइम पर आया था 1881 में, बट दिस इज द कंप्लीट सेंसिस, कहने का मतलब जो 1872 का सेंसिस था वो था तो फर्स्ट सेंसिस पर पूरा कंप्लीट सेंसिस नहीं था, मतलब जो प्रॉपर चीजें अपन को वाइल्ड क्रिएटिंग ऑफ सेंसिस यूज करनी चाहिए वो यूज नहीं की गई थी। लेकिन फर्स्ट टाइम कह सकते हैं कंप्लीट सेंसिस, पूरी रिकमेंडेशन पूरी चीजों को देख के जो बनाया गया वो था लॉर्ड लिटन के टाइम पर, तो याद रखिए 1881। तो लोग कंफ्यूज होते हैं 1881 लगाया आंसर या 1872, तो याद रखिएगा फर्स्ट सेंसिस तो 1872 ही होगा, बट कंप्लीट फर्स्ट सेंसिस मतलब कंप्लीटली दैट वुड बी 1881, ठीक है। अलीगढ़ कॉलेज एस्टैब्लिश किया इन्होंने 1877 में। तो ये सब एक्टिविटीज थी, याद रखिएगा, लॉर्ड लिटन के टाइम पर, ठीक है। अब अपन यहां पर आज लेक्चर को कंप्लीट कर रहे हैं, बट आगे ऑफकोर्स ये वॉइस रॉयस जो है आफ्टर लिटन अपन डिस्कस करेंगे, लॉर्ड रिपन आएंगे, ठीक है, ऐसे अपन जितने भी वॉइस रॉयस हैं उनको कंप्लीट कर देंगे टिल 1947, ठीक है। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है प्लीज इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, कमेंट बॉक्स में इफ यू फाइंड एनी ऑफ द क्वेरीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आपको अगर हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री हो या कोई भी अदर सब्जेक्ट्स, ठीक है, तो क्योंकि मैं आपको बता दूं इसमें बहुत सी चीजें हैं जो ऑलरेडी आप नोट्स में ज्यादा बेटर दी रहती हैं, तो अगर आपको वो चाहिए हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू।